नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान नगर परिषद क्षेत्र के रेणुवा नगर वार्ड में, और रेणुवा ऐसा क्षेत्र है जहां पे यहां पे महापुरुषों का ये जगह रहा है, और रेणुवा में काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं, और यहां पे आज हमारी टीम पहुंची है। स्वर्गीय उमाशंकर जी का जयंती है 83वीं जयंती पे, और हमारे साथ कई ऐसे मनोभाव व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी जी भी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाहिनी के अध्यक्ष हैं, और देख सकते हैं कि आज उनके जयंती पे तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और उस जयंती में सिवान के कई से नेता गण, माननीय श्री अद्वे चौधरी जी जो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पहुँचे हुए हैं, और ये हर साल की भांति इस साल भी इस कार्यक्रम को बड़े ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है, और यहाँ पे कई ऐसे व्यक्ति यहाँ पे जो समाज में अपना उमदा स्थान रखते हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को अनुभूति होने के लिए तमाम ऐसे यहाँ पे क्षेत्र के नागरिक, तमाम ऐसे पंचायत के नागरिक यहाँ पे पहुँच कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आइए, हमारे साथ जितेंद्र स्वामी जी जुड़ेंगे, उनके पुत्र जी, और उनसे हम आगाज होंगे, उनसे बातें करेंगे कि आज 83वीं जयंती पे उनका क्या कुछ कहना है, समाज को कितना बड़ा संदेश देना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अनुभूति होता है जब ऐसे व्यक्तियों का हम लोग मनोभाव से इंटरव्यू लेते हैं। तो आइए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री जितेंद्र स्वामी जी, जो कि उमाशंकर जी का बड़ा ही मतलब मनोभाव से उन्होंने अपना आगाज़ किया है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह का आगाज़ कार्यक्रम करते हैं, और ये हर साल की बात है, इस साल भी हो रहा है, और इस साल और बढ़ चढ़ कर हो रहा है, और हमें आशा है कि इससे भी बढ़ चढ़ कर और आने वाला कल में होगा। क्या कुछ कहेंगे, आज 83वीं जयंती है स्वर्गीय उमाशंकर जी का, और पूरे देश दुनिया से लोग इसमें आ रहे हैं, और कहने की बड़े बड़े नेता अद्वे चौधरी जी भी आ रहे हैं, जमा खान जी आ रहे हैं, धनेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा उम्दा स्थान है। क्या कुछ कहेंगे सर? जनवरी का महीना है, जननायक नेताजी उमाशंकर बाबू के जयंती पर आप भी आए हैं, आप ही के माध्यम से, आपके चैनल से आपके जो दर्शक हैं उन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका चंदन भी कर रहे हैं, जो आए हैं जो नहीं आए हैं उन्हें भी वंदन करते हैं, उन्हें भी चंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उमाशंकर बाबू एक छोटे से परिवार में, एक सेनानी परिवार में जन्म लिए, माता अनारकली, पिता रामदेव सिंह, आगे बढ़े तो पत्नी माया देवी के साथ उनका जीवन शुरू हुआ। 60 के दशक में मीसा में गिरफ्तार हुए महाराजगंज, रामचंद्र बाबू प्रोफेसर जो हैं, सरजू बाबू प्रोफेसर हैं जो उनके मित्र थे, मुनिलाल शाह, चुनीलाल शाह का परिवार था, उसी प्रांगण में बैठे थे, तब तक मीसा में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1974-75 के आंदोलन में मीसा और DIR दो धाराएं चलती थी, मीसा में किसी का बेल नहीं होता था, लगभग 19 माह जेल रहे, कारा के कठिन काल में रह करके जब निकले तो चंद्रशेखर जी के संपर्क में आए, मुरारजी देसाई के संपर्क में पहले से थे, सत्येंद्र नारायण सिंह के संपर्क में पहले से थे, और जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया महाराजगंज से, लगभग पांच बार विधायक रहे, पांच बार विधायक रहे महाराजगंज से, और महाराजगंज से ही 2009 में लोकसभा के सदस्य हुए, अपने कार्यकाल में ही सबको छोड़ करके और इस दुनिया से चले गए। 24 जनवरी था आज ही का दिन, दिल्ली के एम्स में अपने लोगों को छोड़ करके और चले गए, और फिर हम लोग आए 25 को, बिहार सरकार ने राज्यशोक घोषित किया 25 तारीख को, 25 जनवरी 2013 को,
और राज्य सरकार ने ही निर्णय लिया कि 26 जनवरी राष्ट्रीय झंडोत्तोलन के बाद राजकीय सम्मान के साथ भगवान श्री राम द्वारा अवतरित बाण नदी, जिसे आप दाह नदी कहते हैं, उन्हीं उसी घाट पर उनका अंत्येष्टि किया जाएगा। आप देख ही रहे हैं यह चर्चित नदी जो प्रभु श्री राम के बरात के समय इसका उद्गम हुआ था यहाँ, उसी के किनारे राजस्थान के कलाकारों ने यह एक अपना छोटा प्रयास किया जो आप देख रहे हैं। सिवान ही नहीं, बिहार के लिए भी अद्भुत है यह जगह और मेला है। उमा शंकर बाबू हिंदू मुसलमान के एकता के प्रतीक थे, इसलिए यह एकता स्थल है, एकता भवन है, और एकता का प्रतीक जो है उनका आपका समाधि स्थल जो है, आप देख ही रहे हैं कि कंसेप्ट है हिंदुओं के लिए भी मुसलमानों के लिए भी, वो एक कंसेप्ट है स्मारक जो है। प्रत्येक वर्ष अगली बार कोरोना के पहले इस राज्य के गवर्नर आए थे गंगा बाबू, जो सिक्किम के गवर्नर थे। बराबर कोई ना कोई राज्य और देश का आते ही रहता है, बीच बीच में लोग कई नामी गिरामी लोग आते रहते हैं, कोई ना कोई यहाँ आते रहता है। आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री माननीय चौधरी जी भी आ रहे हैं, उनको लेकर आगमन को क्या कुछ कहेंगे? और बिहारी जी उमा शंकर बाबू के शिष्य रहे, उमा शंकर बाबू ने उन्हें प्रोडक्ट किया, उमा शंकर बाबू ने उन्हें सेक्रेटरी डीएवी कॉलेज का बनाया, अपने पुत्र से ज़्यादा भी उन्हें प्यार दिया। आज संयोग से उनके आशीर्वाद से आज बिहार विधानसभा के जिस विधानसभा में उमा शंकर बाबू ने टिकट दिया था वो जीत कर गए थे। उमा शंकर बाबू अपना चुनाव छोड़ करके आधे समय सिवान में रहते थे और उनको विधायक बनाए, विधायक के बाद आज ईश्वर नहीं है तो ईश्वर ने उन्हें बिहार विधानसभा का स्पीकर बनाया है, अध्यक्ष बनाया है। जिले के भीष्म पितामह थे उमा शंकर बाबू, बहुत लोग इनके आंगन में पले खड़े हुए और आए इस आंगन में तैयार हुए। एक सर सवाल है कि उमा शंकर सिंह जी के माध्यम से आप लोग आगाज से सिवान के सिवान सिटी में कोई ऐसा कॉलेज उनके नाम से और अवगत होने वगैरह व्यवस्था चल रही? बाबू के नाम से जलालपुर में उमा शंकर सिंह महाविद्यालय जलालपुर है, सिवान महाराजगंज में अनुग्रह नारायण उमा शंकर सिंह महिला महाविद्यालय है, गौर में सिकंदरपुर में चंद्रशेखर उच्च विद्यालय है, धनपुरा में उनके द्वारा स्थापित चंद्रशेखर उच्च विद्यालय है, उनके द्वारा स्थापित जो जनता महाविद्यालय था आज वो राजा सिंह महाविद्यालय है, उनके द्वारा पचरुखी में जो हाई स्कूल आप गांधी उच्च विद्यालय देखते हैं वो उमा शंकर बाबू उसके सेक्रेटरी थे, उसको उन्होंने स्थापित किया। और बहुत सारे पढ़े लिखे तो कम थे लेकिन चाहते थे कि गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियत के बच्चे जो गांव से बाहर नहीं जा सकते उनके लिए पढ़े, इसलिए देहात में कॉलेज खोले, देहात गांव में गांव के बच्चों के लिए विद्यालय और लाइब्रेरी बनवाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज उनके माध्यम से पूरे सिवान जिलावासियों को? यहाँ के पर्यावरण और एकता महोत्सव के रूप में उनका जयंती मनाया जा रहा है, पर्यावरण के लिए देख रहे हैं कि पेड़ जो है आपके बीच में पर्यावरण का प्रतीक जो है, चूँकि नदी के किनारे है, छठ घाट बनवाए थे आप देख लीजिए उसका छठा, बहुत जगह देख रहे होंगे, यह उनकी स्थापना है एकता भवन, तो हमें लगा कि पर्यावरण के लिए पेड़ का आगाज हो रहा है, यह पेड़ आपके बीच में ही है। और एकता महोत्सव के चूँकि हिंदू मुसलमान के बीच के कड़ी थे, एकता के प्रतीक थे, जवाहर हुसैन साहब उनके गुरु हुआ करते थे, सत्यनारायण सिंह चंद्रशेखर जी ये सब लोग उनके उनके करीब में रहे और करीब करीब में अपना रहे, जो देश के बड़े नेता थे, जो बड़े चिंतक थे उनके करीब थे। जब वो गुजरे तो लोगों ने देखा कि लगभग यहाँ लाखों लोग उपस्थित थे और देश के कोने कोने से लोग उपस्थित थे, आज भी लोग आते रहते हैं। यह मेला, ये एकता महोत्सव का जो मेला है, ये 17 जनवरी फिर 24 जनवरी ये दिन जो है, धरती पे रक्षा मंत्री भी आ चुके हैं, संभव है फिर मई में उनका कार्यक्रम बने यहाँ पे, मई में उनका कार्यक्रम बने। देखिए इसके पहले भैरव सिंह शेखावत जी जब उपराष्ट्रपति थे तो महाराजगंज कार्यक्रम बनाए थे, आप छोटे छोटे होंगे, और बड़ा कार्यक्रम हुआ था, देश के कोने कोने से लोग महाराजगंज चंद्रशेखर अमृत महोत्सव में पहुंचे थे। हम चाहते हैं एक बार कि यहाँ भी एक अमृत महोत्सव हो जहाँ देश के कोने कोने से लोग पहुँचे। धन्यवाद, ये हमारी टीम लगातार इस चीज़ को दिखाते रह रही है और इस जो आज कार्यक्रम हो रहा है पूरे सिवान जिला में इस कार्यक्रम को आगाज़ हो चुका है और इस कार्यक्रम के तहत पूरे सिवान के नहीं पूरे बिहार के कई से राज्य से कई से जिले से यहाँ पे
कई से बड़े गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं। सिवान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो अभी चुनाव मैदान में उतरे थे, जीत हासिल हुए हैं, वो कहने का ये पहुँच कर इस कार्यक्रम में सफल बनाने का करें। और कई से बीजेपी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कई से और भी लोग यहाँ पहुँच कर इस कार्यक्रम में अपना मनोभाव दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे का जो कार्यक्रम होगा सिवान की पहचान में मेरा एक कार्यक्रम होगा। श्री उमा शंकर जी जो स्वर्गीय आज हो चुके हैं और उनकी 83वीं जयंती मनाई जा रही है, उनके उपलक्ष्य में उनका एक शो हम बनाएंगे, क्योंकि जीवन का मनाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कई से जो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मनु सिंह जी भी आए हुए हैं और वर्तमान जिला अध्यक्ष जी हैं वो भी आए हुए हैं बीजेपी के, और तमाम लोग यहाँ पहुँच कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लगे हुए हैं। तो अभी हम और भी बात करेंगे, अभी जब माननीय श्री और भाई चौधरी जी आएंगे, जमा खान आएंगे और भी तमाम धनंजय सिंह आएंगे, तो लोग आएंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे कि उनके जो ये जिला है सिवान काफ़ी रौनक रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और सिवान का नाम पूरे हिंदुस्तान में आगाज हुआ है। कहीं ना कहीं ये बड़ा एक उम्दा स्थान रखता है, रेणुवा जो क्षेत्र है, जो स्वर्गीय उमा शंकर सिंह का जो स्थान रहा है और उनके जो कर्मों से, उनके जो कार्यों से इस क्षेत्र का नाम को जाना जाता है, ये बहुत बड़ा अनुमति रहा है। मैं चाहूँगा वीडियो देखे शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।